हाँ जी दोस्तों, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया था कि फॉर व्हाट कमांड लाइन आर्गुमेंट विल द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट फॉल्स। तो इसके अंदर हमने एक कमांड लाइन आर्गुमेंट को वेरिएबल एक्स को असाइन किया था, एंड देन उस वेरिएबल एक्स को हमने असाइन किया है वेरिएबल वाई को, देन हमने वैल्यू को डिक्रीमेंट किया एंड देन इंक्रीमेंट किया, तो वो वैल्यू जो है हमारी इक्वल ही हो गई। उसके बाद हमने चेक किया एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एंड तो अगर देखा जाए तो ये हर केस में हमारा ट्रू रिटर्न करना चाहिए। लेकिन इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शंस है हमारा ए 0, बी माइनस 1, सी 1 to 7 एंड डी माइनस 2 5 6। तो इन चार वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू के लिए हमारा प्रोग्राम फॉल्स रिटर्न करता है, एंड वो वैल्यू है हमारी माइनस 2 5 6, और बाकी सब केसेस में ये हमारा प्रोग्राम ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीज़न आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको जल्दी से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ बाकी आर्ग्यूमेंट्स के साथ और माइनस 2 5 6 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ पहले 1 to 7, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ हमारा ट्रू। लेकिन अगर उसी के साथ मैं वैल्यू रखती हूँ माइनस 2 5 6, माइनस 2 5 6 के केस में आप देखोगे हमें फॉल्स मिला है। तो अब इसका रीज़न क्या है, कि इसका रीज़न है हमने यहाँ पर यूज़ किया है इंटीजर रैपर क्लास को, और जावा में इंटीजर्स के लिए एक कॉन्स्टेंट पूल है, इट्स लाइक कैशे, जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं माइनस 128 से लेकर 1 to 7 तक। तो अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू विद इन दिस रेंज इस इंटीजर को असाइन करेंगे, तो उसका एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हीप में, बल्कि वो उस कैशे को ही रेफर करने वाला है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर जो डबल इक्वल यूज़ करा है वही हमारा रेफरेंस को मैच करेगा, तो क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट कैशे को ही हमारा पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए दोनों रेफरेंस इक्वल हो गए और बाकी केसेस में हमें मिला यहाँ पर ट्रू। लेकिन जैसे ही हमने वैल्यू करी माइनस 2 5 6, जो कि उस रेंज के बाहर की वैल्यू है, तो वो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट हीप में बन गया और हमें इस केस में वैल्यू मिल रही है फॉल्स। तो मैं आपको यहाँ पर 1 to 8 के साथ भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, हमें उस केस में भी यहाँ पर वैल्यू फॉल्स ही मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर पास किया आर्ग्यूमेंट में 1 to 8, एंड देन मैंने किया इसे रन, और यहाँ पर आप देखो मुझे फॉल्स मिला है। तो ये हमारा रीज़न है क्योंकि जावा ने कैशे किया है इंटीजर्स की रेंज को माइनस 1 to 8 से लेकर 1 to 7 तक, इसलिए हमें इस रेंज के बीच में जो भी हम इंटीजर असाइन करेंगे वहाँ पर ट्रू वैल्यू मिलेगी, उसके बाहर हमें फॉल्स मिलेगी। वहीं अगर मैं इस वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट कर दूँ इंटीजर के बजाय, तो ये मुझे हर वैल्यू पे ट्रू देने वाला है, क्योंकि अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और अभी सिर्फ कंटेंट को चेक करेगा, इसे उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसके रेफरेंस से कोई मतलब नहीं रहा अब। तो अब अगर मैं इसे माइनस 256 के साथ भी एग्जीक्यूट करूँगी, तो ये मुझे ट्रू ही देने वाला है। सी यहाँ पे हमें मिला है ट्रू। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई और मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।